ओके, अब हम करेंगे वर्ड एंड सेंटेंसेस। हमको इंग्लिश की बुक ओपन करनी है, पार्ट वन। ओके, पेज नंबर है हमारा 23। 23 पेज नंबर पे हम देखेंगे ही और शी। हमने पहले भी वो ही और शी का किया था, तो अभी हम पार्ट टू करेंगे, ही शी टू। तो हमें क्या करना है, हमको ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स को देख के ही और शी का यूज करना है इस बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था जो ही है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, और शी हम गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉय। बॉय क्या है, मेल है, तो हम इनके इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो इस तरह से हम यहाँ पे ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, AUNT, आंट। आंट क्या होती है, फीमेल होती है, फीमेल के लिए हम क्या लिखते हैं, शी। तो हमको यहाँ पे शी करना है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, मेल होते हैं, तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, ही। इस तरह से हम यहाँ पे इस बॉक्स में ही लिखेंगे। देन सिस्टर, सिस्टर क्या होती है, फीमेल होती है, तो फीमेल में हम क्या करेंगे, शी। ओके, इस तरह से हमने कंपेयर करके ही और शी का यूज किया है। यहाँ पे हम सारे बॉक्सेस में आप और कंपेयर कर लेना, मदर के लिए शी आएगा, गर्ल के लिए शी आएगा, फादर के लिए ही, फ्रेंड के लिए ही। क्योंकि जो ये फ्रेंड है, ये हम इसको बाय पिक्चर देख सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, तो ये लड़का दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमको जो ये है सेंटेंस पूरे करने हैं, इज अ बॉय, तो बॉय दे रखा है, तो बॉय के लिए क्या आएगा, ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ही लिखेंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। नेक्स्ट गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या लिखेंगे अपन, शी। शी इज अ गर्ल। इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। ओके,